श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति एकमात्र अनन्य आश्रय ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें नाम से प्रीति होनी चाहिए। भगवान के नाम में इतनी प्रीति हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि नाम के अलावा हमें कुछ और अच्छा ना लगे। भगवान का नाम हमारे जीवा पर निरंतर चलता रहे। आप जरा कल्पना कीजिए, अपने अंदर टटोलिए, विचार करिए कि मैं भगवान के नाम में कितनी प्रीति करता हूँ। मैं भगवान का नाम जाप करते करते कितने समय तक यह क्रिया कर सकता हूँ। आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा। नाम से अगर प्रीति हो गई है तो नाम निरंतर चलने लग जाता है। नाम छूटता ही नहीं है। नाम निरंतर जीवा में, चिंतन में बना रहता है। अभी नाम का आपके जीवन में वह स्वाद नहीं आया। जिस दिन स्वाद आने लग जाएगा, उस दिन से नाम में इतनी प्रीति हो जाएगी कि नाम कभी छूटेगा ही नहीं। हृदय की धड़कन के साथ, आपकी श्वासों के साथ भगवान का नाम चलता रहेगा। भगवान का नाम बहुत आनंद देने वाला है, बहुत ही कल्याणकारी है। यह कल्याणकारी कैसे है? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। संत महात्मा ऐसे कहते हैं। क्यों बड़ा है? क्योंकि नाम ही एक ऐसी अमूल्य निधि है हमारे पास। इस नाम के बल पर भगवान हमारे अधीन हो सकते हैं, अर्थात हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमें अपनी लीलाओं में प्रवेश करवा सकते हैं। इसी नाम के बल से हम भगवान के अनन्य हो सकते हैं। इसी नाम के बल से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। समस्त सिद्धियाँ, समस्त शक्तियाँ इसी नाम के प्रभाव से आपके जीवन में आ जाएंगी। परंतु भगवान का भक्त इन सिद्धियों, इन शक्तियों को नहीं चाहता। भगवान का भक्त केवल और केवल भगवान से प्रेम करता है, भगवान के नाम से प्रेम करता है, भगवान में जीता है। क्योंकि वह जानता है कि जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी हमें भोग पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, जो भी हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, सब दुख देने वाले हैं। क्योंकि यह संसार की माया से निर्मित वस्तुएं हैं, और जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार की माया की वस्तुएं हैं, इसका अंत हमेशा दुखी होता है। सुख तो श्री भगवान के नाम में ही है, भगवान के दिव्य लीलाओं में ही है, भगवान की दिव्य लीलाओं के चिंतन में ही है, भगवान की सेवा में ही है, भगवान के अनन्य प्रेम में ही है। अतः भगवान के नाम का सहारा ले लेकर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप धीरे धीरे साधना करिए। नाम की साधना कैसे होगी? इसको सबसे पहले आप गुरु प्रदत्त नाम तुलसी माला से चलाइए। तुलसी माला से आप चलाने से आपका मन अगर इधर उधर जा रहा है तो मनीराम को समझा दीजिए कि हे मन, तुम इधर उधर मत जाओ, इधर उधर की चेष्टा मत करो। अभी जो समय मिला है उसको हम नाम में लगाते हैं, भगवान के नाम को चलाते हैं। तुम्हारी जो भी दलील होगी हे मन, तुम्हारी जो भी दलील होगी उसे हम सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, लेकिन अभी भगवान के नाम में जुड़ जाओ। अभी केवल भगवान का नाम का ही चिंतन करो। अभी केवल भगवान के नाम में जुड़ते हुए भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो। ऐसे हमें अपने मन को समझाना है। यह मन बार 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 संसार में जाएगा, बैठे होंगे नाम जप करने के लिए, बार बार संसार का चिंतन करेगा, बार बार किसी भी जगह चला जाएगा, क्योंकि यह मन हमेशा संसार में ही भागता रहा है, संसार के भोग पदार्थों में ही सुख बुद्धि देखता रहा है। अतः इस मन को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस मन को इस नाम के सहारे ही संभाला जा सकता है। जैसे किसी भी दुष्ट व्यक्ति को जब दंड दिया जाता है तो उसे डर लगता है और वह एकदम सही रास्ते पर चलता है। उसी प्रकार से इस मन को दंड देने का एक ही माध्यम है, इसको नाम रूपी चाबुक चलाया जाए, इस पर नाम के कोड़े बरसाए जाएं। भगवान के नाम जब पड़ता रहेगा तो मन अपने आप शिथिल हो जाएगा।
इस मन को अगर आपने छूट दे दी तो यह मन संसार में भागेगा ही, इसकी प्रवृत्ति ही है संसार माया में भागने की। अतः इसको नाम के बल से भगवान के चरणों में हमें बलात लगाना है। आपका मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, फिर भी तोते की तरह भगवान का नाम का जाप करना है। इस नाम का जाप करने से आपको वह परम फल प्राप्त होगा जो इस जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु संत महात्मा यही कहते हैं, नाम को पकड़ो, नाम को अपने जीवन में उतारो, अपने हृदय में उतारो, हृदय से नस नाड़ियों में उतारो, तो आपको नाम जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप नाम स्फुरित होगा। आप सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, तब भी आपके अंदर नाम चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है, किसी भी समय नाम न भूले, नाम निरंतर चलता रहे, यही परम लाभ है, यही परम सिद्धि है इस जीवन का, कि भगवान का नाम से हमारी प्रीति हो जाए। अब यह प्रश्न उठता है कि भगवान का यदि साक्षात्कार हो गया, भगवान हमारे सामने आ गए नाम के बल से, तो हमें क्या करना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, यदि आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया है फिर भी आपका नाम नहीं छूटना चाहिए। सामने भगवान हैं फिर भी आपको नाम चलाते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि नाम के ही बल से भगवान हमारे पास आए हुए हैं, और भगवान के आने पर नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नाम से हमारी बहुत प्रीति है। आज देखिए भगवान हमें दिख नहीं रहे हैं, परंतु अदृश्य रूप से हमारे पास ही तो हैं, हमारे हृदय में ही तो हैं। हम इन्हें कैसे अपने सामने ला सकते हैं? इस नाम के बल से ही ला सकते हैं, इस नाम के प्रताप से ही ला सकते हैं। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही हमें इस संसार सागर से पार करा सकता है। इस दुख में संसार में हमें सुख केवल भगवान का नाम ही दे सकता है। भगवान के नाम के बल से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में नाम कीर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाम कीर्तन, नाम जाप यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस भक्ति को आपने पकड़ लिया, केवल इसी भक्ति को पकड़ लिया, तो आपकी नौ भक्ति भी परिपुष्ट हो जाएंगी, अर्थात नौ भक्ति आप करने लग जाओगे। नाम के बल से आप में भाव आने लग जाएगा, भगवान को अपने भाव से आप रिझाओगे, चाहे आप दास्य भाव से हो, चाहे सख्य भाव से हो, चाहे वात्सल्य भाव से हो, चाहे कांता या माधुर्य भाव से है। नाम आपको भाव प्रदान कर देगा, उस भाव देह में आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान से लाड़ लाओगे, भगवान को अपना माने रहोगे, यही जीवन का परम लक्ष्य है। नाम देखिए आपको कहाँ कहाँ तक पहुँचा रहा है, इसलिए निरंतर बलात नाम जाप करने की चेष्टा करिए। रोज उठकर आपका एक नियत समय होना चाहिए नाम जाप करने का, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, नाम जाप होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करेंगे किसी भी कार्य को करते हुए, घर के कार्य को करते हुए, मान लीजिए आप महिला हैं घर की और घर में आप सवेरे उठ के आपको बहुत से काम करने हैं, तो कोई बात नहीं, आप बैठ के नाम नहीं कर सकती हो, तो घर की जो आप सोहनी लगा रही हो, झाड़ू पोछा लगा रही हो, अर्थात उस समय आपका नाम अंदर चलते रहना चाहिए, तो आपका घर बहुत पवित्र हो जाएगा, क्योंकि नाम के प्रभाव से, नाम का जाप करते करते आपने घर को स्वच्छ किया है, वह घर इतना पवित्र हो जाएगा कि वहाँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा, लक्ष्मी घर में आएंगी, आपके घर में धन संपत्ति, आपके घर में ऐश्वर्य, आपके घर में वास करेगा। जब भगवान का नाम जब करते हुए आप घर का कार्य करेंगी, वहीं आप जब भगवान का भोग बना रही हैं, भगवान का भोग बनाने के लिए आप भगवान के नाम का जाप करिए, भगवान का नाम जाप करते करते वह प्रेम आप उस भोग पदार्थ में डालेंगी, जिसको खाने से, जिसको प्राप्त करने से भगवान को आनंद प्राप्त होगा। यही भोग पदार्थ जब आपके घर परिवार वाले खाएंगे, तो एक सात्विक प्रसाद आपने अपने घर वालों को खिलाया, जिससे घर का वातावरण, घर के लोगों के मन बुद्धि का स्थिति बहुत बदल जाएगी, भागवतिक दृष्टि हो जाएगी, भागवतिक स्थिति हो जाएगी घर वालों की, और घर वालों में क्रोध, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, ऐसी भावनाएं खत्म हो जाएंगी, जब आप इस तरह का भोग पदार्थ भगवान को भोग लगा के घर वालों को खिलाएंगे। उसी प्रकार आप अगर घर के बाहर कहीं काम करने जाते हैं, पुरुष वर्ग के लिए बोल रहे हैं, तो आपकी यात्रा करते समय, आपके ऑफिस के काम करते समय, सभी समय आप भगवान का नाम चला सकते हो। आप यह करो, यह अभ्यास से होगा, अभ्यास से आप भगवान का नाम निरंतर जाप कर सकते हो, और भगवान का नाम निरंतर हो गया तो आप परम साधु, परम संत हो जाओगे, और आपके जीवन में वह अंदर एक ऐसा आनंद होगा, एक ऐसा आनंद की स्फूर्ति होगी, जिससे आप बहुत ही दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति प्राप्त की जाए।
अनन्य शरणागति प्राप्त करने के लिए हमें इसी नाम का सहारा लेना है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा राधा, 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 श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।